जैन बच्चों, दिस इज योर एसएसटी क्लास एंड दिस इज द फिलअप्स ऑफ लेसन थ्री वेदर एंड क्लाइमेट। आपका लेसन थ्री मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट इज इन द पोलर रीजन द सन रेज फॉल्स। पोलर रीजन पे यानी कि ठंडी जगहों पर सन रेज जो है, सूर्य की किरणें, वो कैसे बनती है? वो बनती है स्लैंटिंग, तिरछी। कैसे बनती है? स्लैंटिंग। सेकेंड इज वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टीड ऑफ। जो ज्यादा ठंडी जगह होते हैं वहां पर स्नोफॉल का एक्सपीरियंस होता है किसके बजाय? वहां पर स्नोफॉल होती है किसके बजाय? यस, रेनफॉल के बजाय। रेनफॉल के बजाय वहां पर स्नोफॉल होती है कहां पर? और ठंडे एरिया से। थर्ड इज हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है उसे? दिया गया है एल्टीट्यूड। ओके, फोर्थ कोलकाता इज डैश देन अमृतसर इन समर। समर में कोलकाता ज्यादा रहता है अमृतसर की तुलना में। क्या रहता है ज्यादा अमृतसर की तुलना में? कोलकाता क्या रहता है? यस, कूलर, ठंडा। फिफ्थ मॉइस्चर और वाटर वेपर, नमी। नमी जो है, पानी की जो नमी है प्रेजेंट इन द एयर, एयर में प्रेजेंट होती है, हवा में होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्मॉग। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। सिक्स्थ है एंड लास्ट, एज वी मूव अवे फ्रॉम द डैश, जैसे हम दूर चले चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड द विंटर टेम्परेचर गोज ऑन। जो डिफरेंस है, अंतर है समर और विंटर का टेम्परेचर का, वो क्या होता है? तो हम किसके तरफ उड़ते हैं तो क्या होता है? इसमें आंसर आएगा आपका एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से ज्यादा आगे बढ़ते हैं, मूव होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीज, कम होने लगता है। ओके, डिक्रीजिंग। ये आपकी फिलअप्स है, आप ध्यान से इसे अपनी कॉपी पे कर लें। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है आपका टिक द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन वाले आपके एमसीक्यू है, इसमें आपको फोर ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक आपका ठीक है और वो आपको उस पर राइट करना है। फर्स्ट इज डैश हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। सबसे ज्यादा बड़ा कारक जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, कौन सा है? ऑप्शन ए सन, बी विंड, सी ओशन करंट, डी ह्यूमिडिटी। राइट ऑप्शन इज सन। सन पर टिक करेंगे हम कि जो सन है वो हमारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। सेकंड इज नॉर्थ वेस्ट